अस्सलामुअलैकुम, मैं बीजेपी लीडर मोहम्मद हाजी, अभी हाल में जो मुकेश गौड़ के नाम से विक्रम गौड़ ने जो कुश्तियां रखे थे पहलवानों के लिए, आज आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के अंदर ऐसा कारनामा कोई भी नहीं कर सके जो पहलवानों के लिए इतने बड़े इनाम रखे। और हैदराबाद में एक से एक करोड़पति है, पहलवाना है, लेकिन ऐसा दंगल कराने वाले भी होना चाहिए जो पहलवानों का हौसला अफजाई करने में। विक्रम गौड़ का मैं दिल की गहराइयों से तहसील से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तेलंगाना में एक पहलवानों को एक नया एक इनकलाब लाए उन पहलवानों के लिए, जो अमाउंट जो उन्होंने रखे पहलवान उससे अपना कोई रोजगार भी कर ले सकते हैं। ये सोच किसी के पास नहीं थी जो विक्रम गौड़ ने जो पहलवानों के मुताबिक जो पहलवानों के लिए जो कारनामे रखे। ये कारनामा बहुत बड़ा कारनामा है। हैदराबाद में इतने रईस लोग हैं लेकिन जिगर नहीं है उन लोगों के पास पैसा खर्च करने। मेरे भाई, हर मार कोई भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन पैसे का मार बर्दाश्त करने वाला असल पहलवान वो है। तो मैं विक्रम गौड़ साहब का बहुत तहजील दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने कहा कि पहलवानों के लिए कि हर साल उनके वालिद के नाम से दंगल चलता रहेगा। मुकेश गौड़ साहब के नाम से उन्होंने रखा है। आज हैदराबाद के अंदर एक नई तारीख बना दिया है उन्होंने। मेरे भाई, उनका सपोर्ट और कौर हम हिंदू मुसलमान स्वयं विक्रम गौड़ के साथ है। आज पूरे हैदराबाद की आवाम विक्रम गौड़ के साथ है। आज कोई मजहब और मिल्लत का कोई मामला नहीं रखा और ऐसे डिसिप्लिन के अंदर आज तक हैदराबाद में कोई ऐसे कुश्तियां नहीं कराया। लेकिन मैं और जो पहलवान जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसी ही विक्रम गौड़ के हौसले आप लोग अफजाई करते रहिए इंशाल्लाह, और पहलवानों के लिए नए नए स्कीम लाएंगे और नए नए प्रोग्राम बनते रहेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।